नमस्कार, मैं अभय पांडे और आज हम बिहार सरकार के जो ये है रोड डिपार्टमेंट है यानी जो सड़क मंत्रालय है जिसके मंत्री नितिन नवीन जी हैं। तो नितिन नवीन जी, आपको शर्म से पानी में डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर में। अभी हम हैं 70 घाट पुल को पार करके और छपरा जाने के लिए रास्ते पे आ ही रहे थे कि जो जिस हम गड्ढे में खड़े हैं ऐसे ऐसे 4 गड्ढे को हम पार कर चुके हैं और इस सड़क के बीच में गड्ढा हो जाना, ये बाढ़ से अगर टूटा है तो अभी तक निर्माण क्यों नहीं हुआ, और अगर निर्माण नहीं हुआ तो बोर्ड काहे नहीं लगाया गया, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी बोर्ड पुल के पास ही लग जानी चाहिए थी कि आगे सड़क टूटा हुआ है, आपको नहीं जाना है। लेकिन भारत का और बिहार का सड़क डिपार्टमेंट पगला गया है और उनके पागलपन के शिकार हम लोग जैसे लोग हो रहे हैं जो कि चल तो आ रहे हैं, लेकिन टूटे हुए सड़क से कितनी परेशानी हो रही है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आपका अधिकारी जिम्मेवारी नहीं लेगा, आप जिम्मेवारी नहीं लीजिएगा, और दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेवारी कौन लेगा? नहीं आपका अस्पताल सही है, नहीं आप सही है, नहीं आपका विभाग सही है, ड्रामा बना कर रख दिए आप लोग बिहार को। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है बड़ा बड़ा और ऐसे ऐसे 4 गड्ढा को हम पार किया, आगे मालूम नहीं कितना मिलेगा। 70 घाट के पुल के पास क्या बात हम बता रहे हैं आपको, आप लोग का जो नौटंकी चल रहा है ना, जो बिहार में आप लोग कर रहे हैं ऐसे सड़क को तुड़वा के, और अगर बाढ़ से टूटा है तो आप लोग मरम्मत क्या नहीं करवा, और सब छोड़िए मरम्मत नहीं करवा सकते हैं, बोर्ड नहीं लगवा सकते हैं। इतना गरीब हो चुका है बिहार कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी होगा, आप लोग के कारण ही बिहार बदनाम हो रहा है। अगर कोई भी बाहरी आदमी आए बिहार के इस सड़क से आपका बोर्ड देखते हुए अगर वो जा रहा हो, गूगल के लोकेशन को देखकर जा रहा हो और वो बिना बोर्ड देखे फंस जाए, आप जिम्मेवारी लीजिएगा। आपका जो है ना सुशासन बाबू, आपका जो पोल है वो खुल रहा है धीरे धीरे, बाढ़ का आज तक प्रबंधन नहीं किए कि बिहार में बाढ़ क्यों आता है, और बाढ़ से जो सड़क टूटा है अभी तक निर्माण नहीं हुआ। संभल जाइए आप लोग, सावधान रहिए। सुशासन नाम है सुशासन बाबू, सरकार चला रहे हैं सुशासन की, और सड़क टूट रहा है तो बना नहीं रहे हैं आप लोग। विकास का ढोंग पीटना कम करिए, काम कीजिए काम। धन्यवाद, अगर आवाज सुनाई दे आपको तो जरूर कीजिएगा।